सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों काफी अमेजिंग टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से सब कुछ बताता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों ओप्पो रेनो 5K के बारे में जानना चाहते हो, ये आज ही लॉन्च हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूँ, आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लीजिए, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारी वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, रेडमी K40 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स कल रात को लॉन्च हो गए थे। कल रात को ही डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको मैं सब कुछ बता दिया था, कल रात के 3 बजे वीडियो अपलोड किया था मैं, आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लीजिए, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। प्राइसिंग की बात कर ले तो रेडमी K40 6+128GB इसका बेस वेरियंट है, आपको 22,500 रुपए का मिल जाएगा। रेडमी K40 प्रो का बेस वेरियंट 6+128GB है, जो आपको 31,540 रुपए का मिल जाएगा, और Redmi K40 Pro Plus का बेस वेरिएंट है 12+256GB RAM वाला वेरिएंट, जो आपको 41,600 रुपए का मिल जाएगा। तीनों स्मार्टफोन्स में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं, बहुत ही अजीब बात है। और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो जरूर से चेकआउट करिएगा, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। चलिए बात करते हैं और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए ना, उनके प्राइसिंग के बारे में आपको बताता हूँ। कल रात को दोस्तों Redmi अपने नए TWS को भी लॉन्च किया था, Redmi 8.3 जो दोस्तों 2,270 रुपए के हैं। उसके बाद दोस्तों Redmi Book Pro सीरीज में भी दो लैपटॉप्स लॉन्च हुए हैं, Redmi Book Pro 14 जो दोस्तों 51,309 रुपए का है, और Redmi Book Pro 15 जो दोस्तों 56,900 रुपए का है। और Redmi अपने एक नए स्मार्ट टीवी को भी लॉन्च किया था, Redmi Max जो दोस्तों 86 इंच का टीवी है, स्मार्ट टीवी है, 91,230 रुपए का, समझ लीजिए कि 90,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है टेक्नो की तरफ से। टेक्नो का एक नया स्मार्टफोन है जो आज FCC सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। 4900mAh का बैटरी मिलेगा, 18W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 8.8mm के थिकनेस के साथ आएगा। आप थोड़ा डिजाइन भी इमेजिन कर सकते हो, देख लीजिए आपको कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा। तो आप दोस्तों इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं हो, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, Redmi इंडिया के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि Redmi Note 10 सीरीज का जो हायर वेरिएंट होगा, वहां पर हम लोगों को 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, आपको ये न्यूज कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, Realme 8 सीरीज का कोई एक स्मार्टफोन सलमान सर पकड़कर बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो डेयर टू लीप लिखा हुआ है, ग्लास बैक के साथ आएगा, आई थिंक सो ग्लास बैक के साथ आएगा, ये तो ग्रेडियंट आपको कलर देखने को मिलेगा ब्लू कलर का, और क्वाड कैमरा सेटअप है जहां पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा हो सकता है, आई थिंक सो। इसके दोस्तों कुछ टाइम पहले ना टेना सर्टिफिकेशन पे क्लियर इमेजेस आए थे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए, ये वही स्मार्टफोन है, आई थिंक सो ये Realme 8 है। और Realme 8 Pro में आपको सेंटर पे आपको देखने को मिलेगा जो कैमरा मॉड्यूल है, Poco M2 Pro या फिर दोस्तों Redmi Note 9 सीरीज जो दोस्तों है, उसके जैसा स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल आपको सेंटर में देखने को मिलेगा Realme 8 Pro में, जहां पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। तो ये Realme 8 हो सकता है प्रोबेबली, आपको क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों देखो यार, अगला जो अपडेट है वो थोड़ा सा आपको निराश कर सकता है। अभी तक हम लोगों को बहुत सारे लीक्स मिले थे कि Realme GT में 160Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, अब दोस्तों ऐसा नहीं है, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि Realme GT में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, पोस्टर भी आ चुके हैं। तो यार यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट ही मिलेगा, तो इसका प्राइस भी तो कल बता दिया था, ऑफिशियल प्राइस 33,000 रुपए का लॉन्च होगा ये 33,000 का, आपको क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अमेजिंग है, नूबिया रेड मैजिक 6 सीरीज आज टेना सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुके हैं। पहले आप दोस्तों नूबिया रेड मैजिक 6 को देख लीजिए, आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, देखने में यार बहुत ही ऑसम लग रहा है, बहुत ही शानदार बैक के साथ आएगा। और नूबिया रेड मैजिक 6 प्रो को भी दिखा दे रहा हूँ, दोनों सिमिलर है, थोड़े से कलर्स लगता है चेंज हो जाएंगे, आपको देखने में कैसे लग रहे हैं मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अमेजिंग है, कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि Mizu 18 में आपको Snapdragon 870 देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, Mizu 18 में आपको Snapdragon 870 देखने को मिलेगा, लेकिन Mizu 18 Pro में आपको Snapdragon 888 देखने को मिलेगा, UFS 3.1 का स्टोरेज सपोर्ट होगा और LPDDR5 RAM टाइप देखने को मिलेगा। आपको ये न्यूज कैसा लग रहा है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। Mizu बहुत अच्छा यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो प्लान किया है, एक साथ एक वक्त पे दोनों जो मेन प्रोसेसर्स है, फ्लैगशिप प्रोसेसर्स है, उनके ऊपर स्मार्टफोन बना के लॉन्च कर देगा, Mizu 18 में Snapdragon 870 और Mizu 18 Pro में Snapdragon 880, टेंशन खत्म।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मनु कुमार जैन जी को लेकर। ये दोस्तों ऑफिशियली Redmi Note 10 सीरीज के एक बॉक्स को पकड़े हुए हैं, तो यही बॉक्स सेलेक्ट हुआ है। आपको देखने में कैसा लग रहा है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। सब कुछ तो बताई दिया हूँ, हैंड्स ऑन वीडियो भी दिखा चुका हूँ, लाइव इमेजेस भी दिखा चुका हूँ। अभी और बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स आएंगे Redmi Note 10 सीरीज को लेकर, अभी आगे के टेक न्यूज में बताऊंगा, तो कंटिन्यू करिए आगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अमेजिंग है। Samsung Galaxy A32 4G आज रशिया में अनाउंस हो चुका है। काफी अमेजिंग स्पेक्स के साथ आएगा। 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। Helio G80 देखने को मिलता है। 64+8+5+5 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी, 5000mAh का बैटरी, 15 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। 4+64GB आपको 19,600 रुपए का देखने को मिलेगा। 4+128GB आपको 21,640 रुपए का दिखाई देगा। ये बहुत ही जल्द मार्च के महीने में इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। यार स्पेक्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहली बार सैमसंग इतने अच्छे स्पेक्स के साथ एक मिड रेंज स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा, सही प्राइस पे इंडिया में लॉन्च कर देगा, तो मजा ही आ जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अमेजिंग है। Vivo S9 के दोस्तों क्लियर ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं, देख लीजिए। देखने से आपको बिल्कुल Vivo V20 Pro के जैसा दिखाई देगा, यानी कि Vivo S7 के जैसा बिल्कुल वैसे ही डिजाइन है, बस थोड़े बहुत कलर चेंज कर दिए गए हैं। मार्च के 3 तारीख को तो लॉन्च हो ही जाएगा, सब कुछ मालूम चल जाएगा। वैसे अगर आप Vivo S9 के बारे में जानना चाहते हो, डेडिकेटेड वीडियो बना दिया हूं, आई बटन पे क्लिक करके देख लो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अमेजिंग है। LG आज दोस्तों एक नए स्मार्ट टीवी को पेटेंट किया, जहां पर आपको एक्सटेंडेबल स्मार्ट OLED टीवी दिखाई दे रहा होगा। उसका जो डिस्प्ले है धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर वापस से अंदर चला जाएगा कवर के अंदर। आपको दोस्तों देखने में कैसा लग रहा है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। लेट्स गो डिजिटल 3D रेंडर्स भी बना चुके हैं, आप मेरे को जरूर से नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अमेजिंग है। Redmi Note 10 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन्स दोस्तों लीक हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको क्लियर इमेजेस दिखाई दे रहे होंगे। Redmi Note 10 का जो हायर वेरिएंट होगा, वहां पर आपको Snapdragon 768G देखने को मिलेगा। फिर Redmi Note 10 4G में आपको 732G देखने को मिलेगा। फिर Redmi Note 10 में आपको Snapdragon 678 देखने को मिलेगा। अभी तक तो इतने मालूम चला है, कुछ और अगर मालूम चलेगा तो आपको बताता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अमेजिंग है। पबजी न्यू स्टेट जो दोस्तों कल नया गेम आया था ना, वो इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक नया सर्टिफिकेट यहाँ पर आया है। ये गेम केवल वियतनाम और इंडिया में लॉन्च होगा, चाइना में लॉन्च नहीं होगा। तो दोस्तों इससे एक बात प्रूफ हो जाता है, ये गेम बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। आपको क्या लगता है मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और ये भी कमेंट करके बताओ कि आपको ये न्यूज कैसा लगा, जल्दी से बताओ मेरे को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है जियोनी की तरफ से। जियोनी बहुत जल्द अपने एक नए स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करेगा, जियोनी मैक्स प्रो। 1 तारीख को लॉन्च कर देगा इसको। 6.52 इंच का HD प्लस डिस्प्ले होगा, 6000mAh का बैटरी होगा, 3+32GB वाला वेरिएंट होगा ये। ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, एंटी लेवल का स्मार्टफोन होगा ये। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Xiaomi की तरफ से, और काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है। Xiaomi का दोस्तों जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है ना, आज वो MIIT सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। बहुत ही जल्द दोस्तों ये ऑफिशियल हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अमेजिंग है। Vivo X60 और Vivo X60 Pro ये दो नए स्मार्टफोन्स, यानी कि जो ग्लोबल वेरिएंट्स हैं, वो बहुत ही जल्द दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। आज दोस्तों ये दोनों स्मार्टफोन Google Play कंसोल लिस्टिंग पे पकड़े गए हैं। बहुत ही जल्द दोस्तों शायद अप्रैल के मंथ में ये इंडिया में लॉन्च होते हुए दिखाई दे देंगे आपको। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। Xbox सीरीज S और Xbox सीरीज X ये दो नए जो कंसोल हैं, मार्च के 9 तारीख से इनका प्री ऑर्डर फिर से चालू हो जाएगा इंडिया में Amazon Flipkart पे, इनके ऑफिशियल साइट्स पे, और अप्रैल के 16 तारीख से शिपिंग स्टार्ट हो जाएगा इंडिया में। आपको ये न्यूज कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 15 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो, और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। मैं ऐसी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूं। टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो, और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नए वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।